गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार कुमावत, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो साथियों, काफ़ी दिनों से यूट्यूब से दूर रहा, कुछ कारण रहे, आज फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर फिर से मैं एक नई सौगात लेके आया हूँ। ऐसे मेरे फ्रेंड्स के लिए जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप जो की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनके आने की संभावना पूरी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को जारी करें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से नए, मैं आपके सामने आज क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो हम देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके सामने क्वेश्चंस की भरमार डालूँगा। खूब सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वो क्वेश्चंस सोल्व आपको करने पड़ेंगे। ओके, अगर वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसी तरीके के, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, क्या क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो आप देखिए। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन होगा वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, आराम से आप लोग कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मैं बोलूँ, एवरी वन इन दिस हाउस इज, और ये मैंने लिख दिया अकाउंटेबल। मैंने क्या लिखा, अकाउंटेबल टू हिज फादर। ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया एक्शंस। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो पूछे जाएंगे जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होते हैं और एरर फाइंड आउट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है फिक्स प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कौन कौन सी प्रेपोजिशन आपके पास है। फर्स्ट प्रेपोजिशन जो होगी वो होगी अबाउट, सेकेंड जो होगी मेरी वो क्या हो जाएगी फोर, और नेक्स्ट मेरी प्रेपोजिशन जो हो जाएगी टू, और डी में मेरा हो जाएगा ओवर। अब फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक या दो क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, तो आपको सोच समझकर फिक्स प्रेपोजिशन यूज करनी है। तो मैं आपको बताऊँ, ये फिक्स प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। तो फिक्स प्रेपरेशन क्या बोल रही है, एक वर्ड है, एक अपने को एक वर्ड दे रखा है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। आई मेरी बात समझ में, क्या होना, जिम्मेदार होना। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो हम लोग वहाँ पर फोर का यूज करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति जो है वो अकाउंटेबल है किसी व्यक्ति के लिए तो हम टू का यूज कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। तो हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि एवरीवन इन दिस हाउस, इस घर का जो प्रत्येक सदस्य है अकाउंटेबल, वो जिम्मेदार है, ठीक है, वो क्या है, जिम्मेदार है, जवाबदेह है, क्या है जी, जवाबदेह है। टू इज फादर, अपने पिता के प्रति क्या है साहब, जवाबदेह है। किस चीज़ के लिए, अपने कार्यों के लिए। एक मैंने क्या कहा आप लोगों को कि इस घर का प्रत्येक सदस्य अपने पिता के प्रति अपने कार्यों के लिए क्या है साहब, अपने कर्मों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम बात हो रही है किसकी, एक्शंस की, तो मैं किसका यूज करूँगा, फोर का यूज कर दूंगा। अकाउंटेबल फोर का मीन्स क्या होता है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए क्या होना, जवाबदेह होना, और अकाउंटेबल टू क्या होता है, किसी के प्रति क्या होना, जवाबदेह होना। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ कि अकाउंटेबल फोर जो होता है वो तो होता है समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए जवाबदेह होना। और नेक्स्ट मेरा आता है जी अकाउंटेबल टू, ये किसके लिए होता है, टू समबडी,
किसी व्यक्ति के लिए, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक वोकैब का मेरा क्वेश्चन रहेगा, वो क्या है कि द स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, एक स्टूडेंट था उसको पनिश कर दिया गया, अ स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर हिज, ब्लैंक दे दिया आपको, डैश जिसको बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इम्पूडेंस, सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रूडेंस, देखते जाएं, सी में जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा मेरा मोडेस्टी, और एंड द लास्ट वन इज हो जाएगा हमारा नन। ये कुछ ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो वोकैब के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड, कि आप कितना क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और आपका वोकैब कितना स्ट्रॉन्ग है। तो देखें कि द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, एक स्टूडेंट था उसको पनिश कर दिया गया, किसके लिए, उसके इम्पूडेंस के लिए, उसके प्रूडेंस के लिए, उसकी मोडेस्टी के लिए, या फिर नन। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रूडेंस जो होता है ना, प्रूडेंस हम किसको बोलते हैं, वाइज, जो इंसान क्या होता है जी, वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, उसको हम प्रूडेंट बोलते हैं, क्लियर है। मोडेस्टी की जहाँ तक बात करूँ तो मोडेस्टी को मैं बोल सकता हूँ काइंडनेस, क्या बोल सकता हूँ, काइंडनेस। अबे आप एक बात बताइए मेरे को कि स्टूडेंट को जो है वो उसकी बुद्धिमत्ता के लिए पनिश कर दिया गया, स्टूडेंट को उसकी दयालुता के लिए पनिश कर दिया गया, नहीं, दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे ना, तो सेकंड और थर्ड अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस का मीन्स जो व्यक्ति क्या होता है, रूड होता है, जिसका बिहेवियर कैसा होता है, रूड होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, असभ्य होता है। तो एक स्टूडेंट को उसके असभ्य होने के कारण, संस्कारहीन होने के कारण क्या कर दिया गया, पनिश कर दिया गया। तो आई थिंक ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है वो भी आप देखें। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर कि मिस्टर महेश, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर महेश, और ये मैंने लिख दिया हैज़ बीन इन दिस कॉलेज, ये ब्लैंक दे दिया मैंने यहाँ पे, और ये मैंने लिख दिया 2007। ऑप्शन मैंने आपको दिए फोर, बी में लिख दिया जी सिंस, सी में मैंने लिख दिया फ्रॉम, और डी में मैंने आपके लिख दिया बिफोर। ये एक क्वेश्चन दिया है, ये भी एक प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहें तो इसको टेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उस टेंस में हमने क्या किया था, हमने सिंस और फोर के यूजेज पढ़े थे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि सिंस का जो यूज है वो कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है जी, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस जुलाई है, सिंस 1986। और फोर जो होता है ना, इस फोर का जो यूज होता है वो होता है साहब पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज कर लेते हैं। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम की बात करूँ तो फोर टू डेज, फोर टू ईयर्स। और फ्रॉम का मीन्स जो होता है ना, वो तो से होता है, और फ्रॉम जो हमारे काम आता है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम आता है, विल हैव, शैल हैव, प्लस बीन, प्लस वी वन आई एन जी। और बिफोर आफ्टर का तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, क्योंकि बिफोर आफ्टर पास्ट परफेक्ट में काम करते हैं। तो यहाँ पर पढ़िए आप लोग कि मिस्टर महेश जो है वो यहाँ पर इस कॉलेज में जो है ना, वो कब से हैं, 2007 से है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रेजेंट परफेक्ट काम कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि 2007 से क्या है, मिस्टर महेश कहाँ है, इस कॉलेज में है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, मैं आपको समझा दूंगा कि सिंस फोर वाला जो सिचुएशन बनती है उसमें क्या होता है, कोई एक्शन जो होता है ना वो पास्ट से स्टार्ट होता है,
कोई एक्शन जो होता है वो पास्ट से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक वो एक्शन क्या होता है, चलता ही रहता है, और उस एक्शन की ये संभावना होती है कि वो आगे भी चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर सिंस और फोर का हम यूज करेंगे, पास्ट से हम सिंस और फोर का यूज करेंगे। जैसे बोल रहा है कि 2007 से यहाँ रह रहा है, तो 2007 से रह रहा है इसका मतलब 2007 पास्ट हो गया, अब तो 2021 चल रहा है, तो 2007 से वो बंदा रह रहा है, तो 2007 बहुत पास्ट की बात हो गई, तो वहाँ से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, रहने का काम उसने 2007 से किया, ठीक है जी, 2007 से उसने रहना स्टार्ट किया और अभी भी कहाँ रह रहा है, ठीक है वहीं रह रहा है, तो वो प्रेजेंट में भी रह रहा है, तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2007 मेरे को दे रखा है, 2007 दे रखा है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, सिंस को प्रायोरिटी दूंगा। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ 4th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते जाएं समझते जाएं। तो हमारा जो है यहाँ पर मैंने मिक्सअप चलाया है, किसका वोकैब भी लिया है मैंने टेंस भी ले लिया और मैंने प्रेपोजिशन भी अभी तक आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है आपके पास, और वो भी किसका होगा, प्रेपोजिशन से रिलेटेड ही होगा, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है साहब, 4th क्वेश्चन है कि द कार, ये मैंने कार लिखा यहाँ पर, ब्लैंक दे दिया, और ये मैंने लिख दिया साहब फुल फैमिली, और मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया फेल, ब्लैंक दे दिया, और क्या लिख दिया साहब द रिवर, ये एक सेंटेंस आपको दिया, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है इसके, पहले में तो क्या है मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन में विद और इनटू का यूज किया है, क्लियर है जी। बी में मैंने ऑप्शन में लिया है जी फोर और अपॉन ले लिया, फोर और अपॉन मैंने ले लिया। सी में मैंने आपके ले लिया विद और नेक्स्ट ले लिया ऑन, और डी में मैंने लिख दिया ऑन और मैंने लास्ट में लिख दिया क्या इनटू। इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपना, तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार थी, पूरा परिवार था, कार जो थी पूरे परिवार के साथ कहाँ गिर गई साहब, रिवर में गिर गई, तो पूरे परिवार समेत ही कार क्या हो गई, नदी में गिर गई। अब मेरी बात सुनो, द कार विद फुल फैमिली, बोलो मैं कर सकता हूँ पूरे परिवार के साथ, तो इसका मतलब हम लोग ये देखेंगे कि विद वाला ऑप्शन सही होगा, स्टार्ट में विद आना चाहिए। तो पहले तो ये देखो कि किस में स्टार्ट में विद नहीं आ रहा, एक तो बी में नहीं आ रहा और एक डी में नहीं आ रहा, तो ये दो तो कैंसिल हो गए। अब हमारी जो लड़ाई है वो दो के बीच है, दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो ए है और एक मेरे पास सी है, चलो ठीक है इसको हम सोल्व करेंगे, ऑप्शन काटते जाएं सब कुछ आपके लिए इजी होने वाला है। तो देखें कि कार जो थी ना विद फुल फैमिली फेल द रिवर, एक बात बताइए नदी में गिरी है वो कार जो है वो नदी में गिरी है, ये नदी है साहब, इसमें कोई कार आके गिरी है, तो पहले तो वो कार बाहर ही थी ना, पहले तो वो कार कहाँ थी, बाहर थी, और बाहर से क्या हुई वो अंदर गई, तो इसका मतलब मूवमेंट तो हुई है, बात समझ में आ रही है, मूवमेंट तो हुई है, बाहर से अंदर गई है कार, तो इसका मतलब मूवमेंट तो है। तो मूवमेंट के लिए हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, इनटू को प्रायोरिटी देते हैं, ओन को नहीं, क्योंकि ओन जो सिचुएशन क्रिएट करता है वो क्या होता है बेटा, ओन में क्या होता है स्टेटिक सिचुएशन होती है, ओन में कभी भी मूवमेंट नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा, 5th क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है जी, मैंने लिखा इफ यू हैड लिसन टू द टीचर, अगर आपने टीचर की बात सुनी होती ओके, तो ये मैंने यहाँ पर ब्लैंक दिया और मैं सॉरी ब्लैंक क्या कोमा लगाया ब्लैंक दिया
और मैं यहाँ पर लिख दूँ फेल्ड। क्लियर है जी, ये एक क्वेश्चन आपके पास। तो देखते हैं क्वेश्चन को कौन सोल्व करता है, कैसे सोल्व करता है। ऑफ कोर्स करना हमें ही है। मैंने लिखा विल नॉट बी, बी में मैंने लिख दिया वुड नॉट बी, क्या लिख दिया वुड नॉट बी लिख दिया। सी में मैंने क्या लिखा जी, मैंने लिखा विल नॉट हैव बीन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज वुड नॉट हैव बीन। ये कुछ ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए, मेरी बात समझिएगा। ये इफ से जो सेंटेंसेज स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेज, और थ्री टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेज हमारे इंग्लिश में चलते हैं। ओके, तो कंडीशन तीन होती है, हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी कंडीशन है। इफ़ के साथ देखो हमें क्या दे रखा है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट दे रखा है, बोलो दे रखा है नहीं दे रखा है। इफ़ के साथ हमें क्या दे रखा है, पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो पास्ट के साथ तो पास्ट ही आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो मेरी बात सुने, पास्ट के साथ देखो प्रेजेंट आ रहा है, विल प्रेजेंट का मॉडल होता है तो कैंसिल करो, ठीक है। यहाँ पे भी विल दे रखा है, कैंसिल करो। मेरी बात सुनो, अगर इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट आता है तो दूसरी तरफ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वुड तो दे रखा है, यहाँ तक तो ठीक था, बट इसमें हैव नहीं दे रखा, तो ये भी कैंसिल। बचा क्या, वुड नॉट हैव बीन, ये वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास इतनी ही ले पाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये फाइव क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो बिल्कुल मैं आपके सामने रोज़ क्वेश्चन लेके आऊँगा, 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे रोज़। अगर आपका फीडबैक ठीक रहा तो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।